नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ गुरु में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं चिरायता के बारे में, देंगे आज आपको चिरायता की संपूर्ण जानकारी कि क्या इसकी पहचान होती है, किन किन नामों से इसको जाना जाता है, क्या इसके गुण होते हैं और क्या इसके अवगुण होते हैं। और साथ ही दोस्तों आज हम आपको चिरायता के ऐसे 11 उपयोग बताएंगे जिनको आप अपने घर पर ही स्वयं तैयार करके 11 तरह की गंभीर बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों चिरायता आमतौर पर आसानी से उपलब्ध होने वाला पौधा नहीं है। नेपाल मूल उत्पादक देश होने के कारण यहाँ नेपाल में यह अधिकता से मिलता है। भारत में हिमाचल प्रदेश में कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक काफी ऊंचाई पर इसका पौधा होता है। मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसको उगाया जाता है। इसका 1-2 वर्षीय पौधा 2 से 4 फुट ऊंचा होता है। पत्ते भालाकार नोकदार 2 से 3 इंच लंबे और 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़े चिकने 5 सिरायुक्त होते हैं। तना स्थूल लंबा और शाखायुक्त होता है। पुष्प डंडों पर हरे पीले रंग के बैंगनी आभायुक्त छोटे छोटे होते हैं। फल 6 से 7 मिलीमीटर व्यास के अंडाकार तथा बीज छोटे चिकने बहुकोणीय बहुसंख्या में होते हैं। फूल वर्षा ऋतु में और फल अगस्त सितंबर तक आते हैं। शरद ऋतु में जब फल पक जाते हैं तब इनका संग्रह दोस्तों किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विभिन्न भाषा में नाम के बारे में कि चिरायता को विभिन्न भाषा में किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों संस्कृत में इसको किरात के नाम से जाना जाता है, किरात तिक्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में दोस्तों इसको चिरायता के नाम से जाना जाता है। मराठी में दोस्तों इसको किरायत के नाम से जाना जाता है। गुजराती में दोस्तों इसको करियातू के नाम से जाना जाता है। और बंगाली में दोस्तों इसको चिरेता के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजी में दोस्तों इसको चिरेटा के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके गुण के बारे में कि चिरायता में क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेदिक मतानुसार चिरायता रस में तीक्त, गुण में लघु, प्रकृति में गर्म, विपाक में कटु, प्रभाव में जवरहरण, दाहरण, कृमिनाशक होता है। यह तीर्दोष शामक होता है। पलिया, यकृत वृद्धि को रोकने वाला, आम पाचक, दीपन, अजीर्ण, अम्लपित्त, कब्ज, अतिसार, तृष्णा, पीलिया, अग्निमात, संघीर्णी, हृदय की दुर्बलता, रक्तपित्त, रक्त विकार, चर्म रोग, मधुमेह, गठिया, जीवनी शक्तिवर्धक, जीवाणुनाशक गुणों से युक्त होने के कारण इन बीमारियों में सफलतापूर्वक व्यवहार में ये दोस्तों लाया जाता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के मतानुसार चिरायता दूसरे दर्जे का गर्म और खुशक होता है। जवर निवारण में इसका प्रयोग जग प्रसिद्ध है। यह हृदय और यकृत को ताकत देता है। अमावस्या और यकृत की सूजन दूर करता है। मूत्र की रुकावट, गर्भाशय का दर्द, गुर्दे का दर्द, खुजली, चर्म रोग, खांसी, कब्जियत, आंखों की ज्योति बढ़ाने वाला होता है। हाजमा दुरुस्त कर भूख बढ़ाना और बिगड़े हुए बुखार में भी अत्यंत यह दोस्तों काफी गुणकारी होता है। वैज्ञानिक मतानुसार दोस्तों इसकी बात करें तो चिरायता का रासायनिक विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है। इसमें पीले रंग का एक ओफोलिक एसिड, दो प्रकार के तिक्त चिराइन और एमेरोजेंटिन नामक ग्लूकोसाइड, दो क्रिस्टलीय फिनाल जेंटियोपिक्रीन, पीले रंग के क्रिस्टल यौगिक नामक जैंथोन होते हैं। उल्लेखनीय है कि एमेरोजेंटिन नामक ग्लूकोसाइड संसार के सबसे अधिक कड़वे पदार्थों में से एक होता है। इसका कड़वापन ही इस औषधि का विशेष गुण होता है। इसका उपयोग मलेरिया, दमे की बीमारी, फ्लू, टाइफाइड, शक्तिवर्धक, संक्रमण रोधक, वाणु कृमिनाशक, कालाजार जिसमें पलिया और यकृत दोनों बढ़ जाते हैं में सफलतापूर्वक दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है चिरायता। अब दोस्तों बात करते हैं इसके मात्रा के बारे में कि चिरायता की हमको कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। और दोस्तों चिरायता का काढ़ा 50 से 100 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके पहले से ही उपलब्ध आयुर्वेदिक योग के बारे में जो पहले से ही मार्केट में उपलब्ध है, जैसे दोस्तों किरातादि क्वात, किरातादि चूर्ण, किरातादि घर्त आदि। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विभिन्न रोगों में प्रयोग के बारे में कि चिरायता का हमको विभिन्न रोगों में कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आँख से जल जाने पर कैसे इस्तेमाल करना है चिरायता का, तो दोस्तों चिरायता को सिरके और गुलाब जल में पीसकर बने लेप को घाव पर लगाने से दोस्तों आँख से जलने वाला घाव जल्दी ठीक हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेत्र रोग में कैसे इस्तेमाल करना है चिरायता का। तो दोस्तों चिरायता को पानी में घिसकर आंखों पर लेप करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है और अनेक रोगों में दोस्तों नेत्र के काफी आराम मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं सामान्य ज्वर में कैसे इस्तेमाल करना है चिरायता का। तो दोस्तों 4 चम्मच चिरायता का चूर्ण 1 गिलास पानी में भिगोकर रात्रि में रख दें। सुबह छानकर 3-3 चम्मच की मात्रा में दिन में 3-4 बार पिलाएं। इससे दोस्तों सामान्य ज्वर जल्दी दूर हो जाता है। मलेरिया में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है चिरायते का। तो दोस्तों चिरायता का काढ़ा 1 कप की मात्रा में दिन में 3 बार कुछ दिनों तक नियमित रूप से पिलाने से रोग के सारे कष्टों में शीघ्र आराम दोस्तों मिल जाता है।
अब दोस्तों बात करते हैं जीर्ण ज्वार में कैसे इस्तेमाल करना है चिरायता का। तो दोस्तों चिरायता सोठ वच आंवला गिलोय सभी बराबर की मात्रा में मिलाकर पीस ले और एक एक चम्मच की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार सेवन करें। इससे दोस्तों जीर्ण ज्वार में बहुत लाभ होता है। कृमि रोग में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है चिरायता का। तो दोस्तों चिरायता और आंवले से बनाया गया काढ़ा सोने से पूर्व 1 कप की मात्रा में दें। इससे दोस्तों पेट के ये कृमि जो होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। गर्भवती का वमन में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है चिरायते का। तो दोस्तों चिरायता का चूर्ण शहद के साथ सेवन कराने से दोस्तों गर्भवती के जो वमन की शिकायत होती है वो जल्दी समाप्त हो जाती है। सोत सूजन में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है चिरायते का। तो दोस्तों चिरायता और सोत बराबर की मात्रा में मिलाकर काढ़ा तैयार करें और 1 कप की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन कराएं। इससे दोस्तों सोत सूजन में बहुत लाभ जल्दी होता है। चर्म रोगों में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है चिरायते का। तो दोस्तों खुजली फोड़े फुंसी जैसे चर्म रोगों में चिरायता का लेप लगाएं। इससे दोस्तों सभी प्रकार के चर्म रोगों में बहुत लाभ होता है। यकृत और अमावस्या की सूजन में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है चिरायते का। तो दोस्तों चिरायता का आधा चम्मच चूर्ण सुबह शाम ले। इससे दोस्तों यकृत और अमावस्या सूजन जल्दी दूर हो जाती है। गठिया दमा रक्त विकार मूत्र की रुकावट खांसी कब्जियत भूख न लगना पाचन की कमी मधुमेह श्वास नलिकाओं की सूजन अम्लपित्त और हृदय रोगों में दोस्तों चिरायता का कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों चिरायता का चूर्ण आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम शहद या देसी घी के साथ नियमित रूप से सेवन करने से दोस्तों ये सभी रोग जल्दी दूर यानी कि समाप्त हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारे द्वारा दी जाने वाली आपको चिरायता की संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।